इस क्वेश्चन में आपके सामने है, सीसील 4 का प्योर प्रेशर दिया हुआ है 25 डिग्री पे 143 mm ऑफ मर्करी, और बोला गया इसमें अगर हम 0.5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड को अगर ऐड करते हैं जिसका मोलर मास दिया हुआ 65, और जो आपका सीसील 4 का जो अमाउंट लिया हुआ है, ये लिया हुआ 100 ग्राम, यानी इस अमाउंट में आप 0.5 ग्राम ऑफ सॉलिड को डिजॉल्व कर रहे हो, तो आपसे पूछा गया है व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी आपका जो सॉल्यूट और प्लस सीसील 4 जो सॉल्वेंट है मिलकर सॉल्यूशन फॉर्म करेगा उसका वेपर प्रेशर निकालना है। तो ध्यान देना, चूँकि आपका सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो जो वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा, तो जो ओरिजिनल वेपर प्रेशर है इसका सीसील 4 का 143 है, तो उससे यह घटेगा। ठीक है, तो आप देखोगे ऑप्शन, तो 143 से जो लोअर ऑप्शन आपके पास दो ही दिखेगा, एक सी एंड एक डी ऑप्शन दिखेगा आपको। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन सी या डी में से कोई एक होने वाला है। नॉर्मली इसमें जो लिया गया है सॉल्यूट उसका अमाउंट बहुत कम है, मतलब 0.5 ग्राम ही लिया हुआ है, जबकि मोल मास कितना 65 है, तो इसका जो मोल होगा उसका मोल काफ़ी कम होगा। अगर आप मोल निकालते भी हो तो मोल जो है आपका सॉल्यूट जो है इसका मोल कितना निकल के आ जाएगा, इसका मोल निकल के आ जाएगा 0.5/65, तो ये वैल्यू ऑलमोस्ट आएगा 0.008। और आप सॉल्वेंट का अगर मोल निकालते हो CCl4 का, तो यह आ जाएगा 100/154, इसका मोलर मास दिया जाएगा अराउंड 0.65 के आसपास। ठीक है, 0.65 के आसपास आपका निकल के आएगा। तो ध्यान देना, आपका जो सॉलिड का अमाउंट है काफ़ी कम है रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट, तो आपका प्रेशर डिक्रीज होगा वो बहुत थोड़ा सा होगा, यानी 143 से हल्का सा प्रेशर डिक्रीज करेगा, यानी आप सेफली ऑप्शन सी को टिक कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शन दूर दूर है, तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सेफली आप बोल सकते हो। तो ये तो था हमारा एक डिडक्शन प्रोसेस जिसका हम यूज किए, हम लोग डाटा को देख करके अपने आंसर को टिक कर रहे हैं। अब इसको कैलकुलेशन करके इसको कैसे हम जस्टिफाई कर सकते हैं, तो अपने सेकेंड अप्रोच में हम लोग चलते हैं। तो ध्यान देना, इसमें सिंपली हम रॉल्स लॉ अप्लाई करते हैं फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो ध्यान देना, आपका जो सॉल्वेंट का जो प्रेशर होगा इक्वल टू होगा प्योर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, बस आपको इसको निकाल देना है। तो प्योर प्रेशर कितना है, 143 है, इसको मल्टीप्लाई करना है आपके सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन से, तो आपका सॉल्वेंट का मोल कितना है 0.65 डिवाइडेड बाय टोटल मोल, जो कि होगा 0.65 प्लस 0.008, तो ये 143 होगा, जो मोल फ्रैक्शन का जो वैल्यू निकल के आ जाएगा ये निकल के आ जाएगा 0.988 के आसपास आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो वैल्यू निकल गया ये 141.26 के अराउंड आने वाला है। आप देखोगे आपका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी के साथ के पास मैच कर रहा है। तो इस प्रोसेस भी हम लोग क्या कर सकते हैं, आंसर को निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने का एक और तरीका रहेगा, आप सिंपली आप अप्लाई कर दोगे RLVP रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, यानी पी नॉट प्योर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस पी प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड पी नॉट इक्वल टू होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट का मोल डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट का मोल प्लस सॉल्यूट का मोल। तो नॉर्मली सॉल्यूट का मोल चूंकि बहुत छोटा होता है तो इसको आप हटा सकते हो, तो पी नॉट माइनस पी बाई पी नॉट इक्वल टू होगा मोल ऑफ सॉल्यूट बाई मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल ऑफ सॉल्यूट कितना आपके पास 0.08 है, सॉल्वेंट का मोल कितना निकला है 0.65, इसको आपको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में जो पी नॉट का वैल्यू दिया हुआ है 143, आपको पी निकालना, आपको पी निकालना है यानी प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, इसको निकालना है। ठीक है, तो आप इस प्रोसेस अगर आप पी निकालते हो तो ध्यान देंगे पी का जो वैल्यू आएगा ये 141.3 के आसपास आ जाएगा। तो आप देखोगे इस मेथड से भी आपका जो सॉल्यूशन निकलेगा हमारे ऑप्शन सी से मैच करेगा। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच से सॉल्यूशन आप कैसे फाइंड कर सकते हो, आपको जो भी मेथड सूट करता है उसको आप यूज कर सकते हो। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एनालिसिस, मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।